महाभारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको नवरात्रि की तैयारियों के बारे में बताऊंगा, तो बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, उनको विश करेंगे जिनकी आज डेट ऑफ बर्थ है। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, स्वार्थ से बचना होगा, और दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की यदि आप में टेंडेंसी है तो उससे बचना होगा। क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा, गड्ढे खुदे हुए आपके लिए जगह जगह, उनसे बचते हुए यदि आप निकल गए और सीधा रास्ता पकड़ते हुए यदि आप निकल गए तो बहुत तरक्की इन 12 महीनों में होगी, नहीं तो आप अपने आप को मुसीबत में पाएंगे। आपके लिए मई नवंबर ये दो ऐसे महीने जिसमें आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। आप प्रेम संबंध डेवलप होने से रोकिएगा इन 12 महीनों में, और कोशिश ये कीजिएगा कि इन 12 महीनों में आप केवल अपने काम पर फोकस करें, और ज़रूरत से ज़्यादा कैलकुलेशंस जो लोग करते हैं रिश्तों में उससे बचिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। जिन लोग को हृदय पेट की दिक्कत रहती है उनको बहुत ख्याल रखना होगा, नहीं तो उसकी वजह से भाग्य की उन्नति रुक सकती है। बाकी कुल मिला के समय बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करें, कुछ नया और बड़ा कार्य करने की कोशिश करें, प्रभु की कृपा से चीज़ें ज़रूर होंगी। तांबे के 3 से गहरे रंग के धागे में बांध के अपने गले में पहन लीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। मेष राशि के लिए धन की हानि का दिन है, इसलिए बहुत सोच समझ कर काम कीजिएगा, माँ दुर्गा की उपासना जरूर कीजिएगा या माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य की कमजोरी का इस दिन कुछ प्रभाव दिख रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इस दिन आपका मन नहीं लगेगा, कुछ परेशान हो सकते हैं। आप अनाज का दान कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। आप मिथुन राशि का हाल सुन लीजिए, मिथुन राशि को गुस्से की वजह से प्रतिष्ठा में हानि होती हुई दिखाई दे रही है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने माता पिता की सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा, उनसे आपके रिश्ते ना बिगड़े इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा, दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, मन को शांत रखें, और इस दिन आप श्वेत वस्त्र धारण करें तो सब ठीक करेंगे। अपने इष्ट के नाम को या उनके मंत्र को लगातार जपते रहिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, ये समय आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, और मन को बहुत शांत रखिएगा, और पौष्टिक भोजन कीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि की हम बात करते हैं, कन्या राशि के लिए यह दिन अच्छा है, मेहनत करें, लेकिन परिणाम आपको लगभग 3 बजे के बाद से ही मिलने शुरू होंगे, उससे पहले ध्यान से चलें, खासतौर से जब वाहन चला रहे हों तो अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं, यह दिन भाग्य पक्ष को तो मजबूत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बेहतर मैं कहूँगा, आपको कुछ नया सीखने समझने को मिलेगा, आराम करने को मिलेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर समय है। आप इस दिन दूध का दान या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान जरूर कर दें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि के लिए यह दिन अच्छा है, मेहनत जरूर ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लाभ होगा। धन की दृष्टि से या इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से यह दिन बहुत कमज़ोर है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही कहीं निवेश कीजिएगा या किसी को उधार दीजिएगा। ओम हं हनुमते नमः का जप करें, काम पर जुटे। धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि के लोगों के लिए यह दिन अच्छा है, लेकिन कुछ भी आपका कार्य सरलता से नहीं होगा, उसमें बाधाएं बहुत आएंगी। कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, और इस दिन हल्दी और केसर का तिलक मस्तक पर जरूर लगाइएगा, दूध से वो तिलक बनाइएगा, ठीक है, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि की बात करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, केमिकल्स या आग पर काम करें तो बहुत सोच समझ कर करें, ओम रुद्राय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें। कुंभ राशि की बात करते हैं, धन की दृष्टि से यह दिन आपका अच्छा है, कुछ आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, आपके
आपकी भाषा से लोग प्रभावित हो सकते हैं इस दिन और आपका कार्य आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ घुटन सी महसूस करेंगे घर में या दोस्तों में, मन नहीं लगेगा। इस दिन आप अनाज का दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि वालों का हाल जानिए। मीन राशि के लोगों को दोपहर के बाद से कुछ परेशानी सी महसूस होगी, बेचैनी सी महसूस होगी, कुछ रिश्तों की वजह से डिससेटिस्फेक्शन सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय अच्छा है। आप ओम नारायण नमो नमः का जप करें और अपने काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। और इस दिन इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिएगा, किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर काम मत कीजिएगा, बस इतना ध्यान रखें। इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी और अपने वर्क को लेकर किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने आप काम करना है, तो सब ठीक करेगा। आइए मैं आपको काम की बात बताता हूँ। नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, नववर्ष की सारी तैयारियां, सारी बातें, महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको नववर्ष की बधाई देनी है, शुभकामना देनी है। अभी नववर्ष आए हैं तो अभी शुभकामनाएं देनी है और घट स्थापना मुहूर्त कब होना है ये लिख लीजिए। घट स्थापना का मुहूर्त है 6:23 से लेकर और 7:17 तक, 6:23 से 7:17। इस समय में कलश की स्थापना कीजिए। कलश बहुत पवित्र है और ये आपके घर में रोग और शोक समाप्त करता है, तो कलश की स्थापना कीजिए। कलश में जल भरिए, उसके ऊपर नारियल रखिए और नारियल इस प्रकार के जो निचला हिस्सा है वह पानी से छूटा रहे। उसके बाद उसको सूत पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, एक लाल रंग का वस्त्र उसको पहनाइए और वह मैया के बाएं हिस्से में, आप बाएं में अगर समय मिले तो स्थान मिले तो बाएं, मध्य में स्थान मिले तो मध्य, दाहिने में स्थान मिले तो दाएं, इसे कहीं भी आप रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके पूजा स्थान में उतना स्पेस नहीं हो तो पूजा स्थान के एकदम लगते हुए बाहर भी रख सकते हैं। वैसे भी माता विराजमान होंगी अभी, तो उस स्थान पर कोई चप्पल लेकर नहीं जाएगा, एक बात। दूसरी चीज़ यह है कि दीपक, अखंड ज्योत जलाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नव दुर्गा मनाने के लिए कहीं जाते हैं तो घर में अखंड ज्योत, अगर और घर में कोई भी नहीं है तो अखंड ज्योत नहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं। अगर आप नव दुर्गा मनाने कहीं जाते हैं और नहीं जाते हैं तो अखंड ज्योत का दीपक माता के बाएँ हिस्से में रखें। दाहिने हिस्से में माता के अनाज रखें, खेतरी बुना जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो गेहूं को मिट्टी में डाल दीजिए और इस तरीके से रखिएगा कि उसमें चूहे वगैरह अपना स्थान ना बना लें या चूहों का भोज ना बन जाए। नहीं तो क्या होता है कि खेतरी होती कम है या बिल्कुल नहीं होती है या सूख जाती है और आप लोगों के मन में वहम पड़ जाता है कि माँ खुश नहीं है, माँ प्रसन्न नहीं है, जबकि असल में चूहे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कोई वहम वहम मत पालिएगा और उसको इस तरीके से ढक दीजिएगा कि वहाँ पर चूहा ना घुसे और उसको ना खाए, ठीक। तो ये आपने करना है। उसके साथ आप धर्म ध्वज की स्थापना कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। हर हिंदू के घर में धर्म ध्वज ज़रूर होना चाहिए, चाहे छोटा ही सा क्यों ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ आश्रम का धर्म ध्वज जो हम जगह जगह पर रखते हैं। जैसे हमारा आश्रम का ये धर्म ध्वज है, तो ये जो बच्चे यहाँ कार्य करते हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ कार्य करते हैं, ये उनके कक्ष में ज़रूर मिलेगा आपको। हम धर्मध्वज को प्रणाम करते हैं। इस दिन भी हम जो प्रणाम करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज और धर्मध्वज दोनों को पहले प्रणाम करेंगे, तिलक वंदन करेंगे, फिर कलश की स्थापना मैया के पास जाके करेंगे। ये आश्रम का नियम है। हमारे धर्मध्वज और राष्ट्रध्वज दोनों एक साथ फहराते हैं, शान से लहराते हैं। तो आप भी एक बड़ा नहीं तो छोटा सा अरेंज कर लीजिएगा और धर्मध्वज इसे में ज़रूर पहनाते हैं और इसका तिलक वंदन भी करते हैं, क्योंकि ये भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे प्रथम दिन है, पहला दिन है। इसलिए सभी सनातनियों को इस दिन को खूब जोश के साथ मनाना चाहिए। एक प्रथा हम लोगों ने डालने की कोशिश की है, आप 31 दिसंबर और 1 जनवरी को खूब धूमधमाल मचाते हैं, रोज़ मचाओ मेरी सोच से तो अच्छी बात है, रोज़ हंसी खुशी होनी चाहिए।
लेकिन हमारी संस्कृति के हिसाब से जो गुड़ी पड़वा होती है, जो चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस होता है, वह नव संवत्सर होता है, वहाँ से नववर्ष शुरू होता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसे भी उसी धूम के साथ मनाना चाहिए। मौसम बदल गया है, खेत खलिहान लहरा रहे हैं, गमले में भी ऐसे में फूल लगा देंगे तो वह पुष्पित हो जाएंगे, तो चारों तरफ एक रौनक का वातावरण है। कहते देवता भी इस दिन धरती पर उतर आते हैं, तो ऐसे समय में नव संवत्सर आता है और इसे ज़रूर बनाना चाहिए। और इस बार जब आप मैया से प्रार्थना करें तो देश का भला हो, लोगों का भला हो, वह इस महामारी से, इस आपदा से, दैवीय आपदा से, फिलहाल तो दैवीय ही है, तो इससे वो बचें, ऐसी मैया के चरणों में आप प्रार्थना भी कर दीजिएगा। बहुत से सहृदय लोग मेरे से ये पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि इससे कब हम इस समस्या से कब हम निपटेंगे। मैंने TV9 को दिए एक साक्षात्कार में ये कहा भी था अप्रैल लास्ट तक, लेकिन अभी का समय तो ख़ास तौर से जो बृहस्पति मकर में जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी, उस दिन से ये समय थोड़ा सा और ज़्यादा सावधानी रखने वाला है। फिर अप्रैल एंड में जाकर इससे थोड़ा थोड़ी मुक्ति मिलनी शुरू होगी। तब तक कोई ना कोई दवाइयाँ हमें पता चलेंगी, लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज आपको मई एंड तक अपना ध्यान रखना होगा, ये तो तय मान के चलिए। बाकी समय समय पर तो न्यूज़ चैनल्स और अखबार हमें सचेत करते ही रहेंगे, और भारत के तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर इस बात को, ऐसी बातों के संदेश देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप करिए, और इस बार का जो नव संवत्सर है ये बहुत उपयोगी है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आप पुनः उस वीडियो को देख लीजिए। तो नव संवत्सर की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आपने करनी है। दुर्गा सप्तशती पढ़ने का एक डॉट टाइम डिसाइड कर लीजिए, उस पर दुर्गा सप्तशती आपने पढ़नी ही पढ़नी है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बिना नवरात्र अपूर्ण रह जाते हैं। यद्यपि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को इसका समय नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोग संस्कृत में इसका पाठ नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हिंदी में भी इसका पाठ नहीं कर पाते, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ध्यान मुद्रा में एकदम बैठ जाइए और दुर्गा सप्तशती का जो ऑथेंटिक कहीं पाठ हो तो वह सुनना शुरू कर दीजिए, या पुरोहित जी की वाणी को एक बार रिकॉर्ड कर लीजिएगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ है सुनते रहिएगा। मैं भी प्रयत्न करता हूँ, मुझे आपसे बात करते करते एक आइडिया आया कि मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। और आप अगर पढ़ नहीं सकते तो आप शांति से आँखें बंद करके बैठ कर उसे सुन लीजिएगा, ठीक है ना। दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ शुरू करेंगे या माँ दुर्गा की जो उपासना शुरू करेंगे उसमें कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना है। नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, इसमें एक निश्चित व्यवहार और पाठ और साधना का एक विशेष समय होता है, जिसका अनुपालन करने से माता बहुत प्रसन्न भी होती हैं और बहुत सारे दुख कष्ट समाप्त होने लगते हैं, ये अनुभूत है। तो प्रातः यज्ञ आप अवश्य करें, नवाण मन से कर लें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिका यै स्वाहा, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र का आप जप करके यज्ञ कीजिए। दूसरी बात क्या करनी है, जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो एक रंगोली बनाएंगे, वहाँ नवदुर्गे वहाँ पर नवग्रह का नाम लिख दीजिएगा चारों तरफ, कहीं भी जहाँ आपको सुंदर लगे, या हाथ से लिखकर वहाँ पर वो चिपका दीजिएगा। और जो रंगोली आप बनाएंगे, जो स्थान आप बनाएंगे, उस पर पटली या लकड़ी का कोई या कोई धातु का आसन वहाँ पर रखने के बाद, और वो दोनों नहीं हो तो जो भी आपके घर में वस्त्र, नया वस्त्र, उसका आसन रखने के बाद माँ दुर्गा के चित्र अथवा प्रतिमा को वहाँ स्थापित कीजिएगा। तो स्थापना हुई, स्थापना के बाद एक थाली आप बनाइएगा, उसमें थाली में रोली का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रोली, चंदन का इस्तेमाल, चंदन तिलक का इस्तेमाल करते हैं तो चंदन, उसके बाद अक्षत रहेगा उसमें 2 लौंग एक व्यक्ति के लिए, यानी 5 व्यक्ति हैं तो 10 लौंग हो गई, एक जोड़े से चढ़ता है ना, तो एक व्यक्ति 2 लौंग चढ़ाएंगे और एक पान चढ़ाएंगे। तो थाली में 2 लौंग 1 पान
एक सुपारी और कोई फल, ऋतु फल यानी जो इस समय का फल हो। तो आप दक्षिण में रह रहे हैं मान लीजिए तो दक्षिण का कोई फल है, अगर आप कश्मीर में रह रहे हैं तो कश्मीर का कोई फल है, या मान लीजिए विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ उस ऋतु में जो फल हो रहा वो माँ को भेंट करने के लिए आप वहाँ रख दीजिएगा तो ऋतु फल हो जाएगा। और उसके इतर आप कुछ भोजन सामग्री अवश्य रखिएगा जो पूजा के बाद देनी है, किसे कैसे ये मैं भी बताता हूँ। तो ये थाली हो गई जिसमें तिलक होगी, जिसमें सुगंध होगी और जिसमें ऋतुफल होगा, ठीक है ना। तो ये एक पूरी थाली आपने तैयार करनी है, ठीक। ये माँ के पास रखिए, माँ का तिलक वंदन कीजिए इसमें और उनको प्रसाद भेंट कीजिए, उसके बाद उनका ध्यान कीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ ध्यान के बिना कोई भी पूजा अधूरी है। तो माँ का ध्यान कीजिए या उनके आँख बंद करके उनका जप कीजिए, ओम दम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शुंडिकाय, यही जो आपको जप अच्छा लगता हो वो जप कीजिए। और उसके बाद माँ का आह्वान कीजिए कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, कृपया यहाँ उपस्थित होकर मेरी पूजा स्वीकारिए। उसके बाद आप गणेश जी का, फिर अपने जो भी इष्ट हैं या जो आपके कुलदेवी देवता हैं उनको प्रणाम करने के बाद फिर आप कलश को, कलश का पूजन करेंगे। और ये 25 ही नहीं, 25 के बाद कि पूरे नवरात्र तक, 2 अप्रैल तक ये आपको करना है। और नवरात्र में बार बार आपसे कहता हूँ कि ये 9 दिवस नहीं है, नवरात्र है। तो 9वीं रात की पूजा के बाद 10वीं को सूर्य उदय के उपरांत यज्ञ करके तब आप कन्या पूजन करेंगे और तब आप स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे, अन्न ग्रहण करेंगे। सप्तमी अष्टमी लोग अपना अन्न ग्रहण कर लेते हैं, उसका फिर कोई अर्थ रह नहीं जाता। तो फिर कलश पूजन करें, फिर उसके बाद नवग्रह पूजन मतलब 9 ग्रहों को प्रणाम करेंगे, फिर ज्योति को प्रणाम करेंगे और उसके बाद फिर आप दुर्गा सप्तशती उठा के पहले कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक। कवच, अर्गला, कीलक, इनका पाठ आप अवश्य कीजिएगा। अगर इनका पाठ नहीं है तो दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं उसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वह कीले हुए मंत्र हैं, क्योंकि इन मंत्रों में ऊर्जा बहुत अधिक है, इन मंत्रों में बीज शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक है, इसलिए ये किसी गलत हाथ में ना हो इसलिए इनको कील दिया गया था उस युग में। तो ये तीनों आप पढ़ने के बाद फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे। दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़नी है ये मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। एक विधि है वकार विधि, इसे आप लिख लीजिए। वकार विधि में पहले दिन एक पाठ, पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ना है, चौथे दिन पांचवा, छठा, सातवां और आठवां अध्याय पढ़ना है, पांचवें दिन नवा और दसवां अध्याय पढ़ना है, छठे दिन 11वां अध्याय पढ़ना है, सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय आपको पढ़ना है। उसके बाद अक्सर आप लोगों के मन में ये प्रश्न जागता है कि फिर अष्टमी और नवमी पे क्या करना है। अष्टमी और नवमी पे या तो आप जप करिए और या फिर पुनः पूरी सप्तशती का पाठ कीजिए। ये तपस्या से कम नहीं है लेकिन इसके प्रभाव अद्भुत है, ख़ास तौर से जो लोग कुछ गंभीर समस्याओं से खेल रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो आश्रम भी लोग आते हैं वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनको मैया की तरफ मोड़ देता हूँ, मेरा रास्ता वही है। तो मैं उनसे कहता हूँ वहाँ जाके मैया के पास बैठो, यहाँ तो अद्भुत कार्य हुए हैं, मैया की अद्भुत कृपा लोगों को प्राप्त हुई है। मैं तो इसे एक जीवित तीर्थ की तरह से देखता हूँ, ऊर्जान्वित तीर्थ की तरह से देखता हूँ। तो आप लोग भी आइए, मैया के दर्शन कीजिए। अभी तो मैं निमंत्रण नहीं दूंगा, 2 अप्रैल के बाद जब माहौल ठीक हो जाए तब आइएगा, ठीक है ना। अभी तो संवेद रूप से कहीं एकत्र होने का समय नहीं है, तो 2 अप्रैल के बाद में आइएगा। तो जब भी आए मैया के पास बैठे हैं, वहाँ मालाएं रखी हैं, वहाँ सप्तशती रखी है, वहाँ रामायण रखी है, आप पाठ कीजिए, आप उनके पास समय बिताएंगे तो आपको लाभ होगा और आप देखिएगा अद्भुत ऊर्जा है वहाँ पर। और कोई परेशानी संकट आपके पास है तो लिखिए, और वहीं पर एक बक्सा भी रखा है मैया की, मैया को चिट्ठी वहीं लिख के छोड़ जाइए, देखिए मैया अपने आप सब ठीक कर देगी। तो आप इस प्रकार से जप कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। और रात में 8:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप कम से कम 11 माला जप के अवश्य कर लिया कीजिए,
या तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकायै। इससे आपको अद्भुत सुख शांति मिलेगी और जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, वह दूर होंगी। और आप सकारात्मक कार्य यदि कोई करना चाहते हैं तो आपके रास्ते अद्भुत रूप से खुलते चले जाएंगे। अब करके तो देखिए, लोग करते नहीं हैं, समस्या ये होती है और बिना किए ही वह प्रश्न चुन उठाते रहते हैं और या रोते रहते हैं या मांगते रहते हैं। करिए, आप करेंगे तो जरूर प्राप्त करेंगे। तो एक विधि तो वाकार विधि हो गई। वाकार विधि सबसे आसान विधि है, ये मैंने लिखा दी है। दूसरी विधि है संपुट पाठ की विधि। तो ये प्रभु जी के माध्यम से किया जा सकता है। साधक लोग संपुट पाठ ही करते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं, फिर आपने श्लोक पढ़ा, फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं, तो इस तरीके से संपुट लगाती, या अनान्य संपुट भी आप लगा सकते हैं। लेकिन कोई संपुट लगाते हैं, फिर श्लोक पढ़ते हैं, फिर संपुट लगाते हैं, इसमें बहुत समय लगता है और ये तपस्या है। लेकिन आप यदि किसी भी परेशानी में घिरे हुए हैं और आप सही हैं, ठीक, और सकारात्मक रास्ते पर जा रहे हैं और फिर भी बाधाएं आ रही हैं, ना समाप्त हो जाए तो कहना। तीसरी जो विधि है वह है शतचंडी का पाठ। ये तो खैर जो विद्वान जन है वही इसका पाठ करते हैं आके, और शतचंडी पाठ बहुत सारे लोग कराते हैं, अनुष्ठान वो घर में अपने कराते हैं। तो इस तरीके से हमने कवच अर्गला कीलक का पाठ किया, उसके बाद प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, और उसके बाद एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिका यही की अवश्य कर लीजिएगा, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय की एक माला आप अवश्य कर लिया कीजिएगा। और नवाण मंत्र के बिना ये पूजा अपूर्ण है। तो ये करने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप दानार्थ कुछ निकालेंगे जो आप 8 वर्ष से छोटी कन्या को देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं इसमें कहना चाहता हूँ, वो व्यवहार। साधु जैसा, साधक जैसा व्यवहार यदि आपका नहीं है, आप अभी भी खुड़पेच करते हैं, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और अति का भोजन, ये सब अगर आप कर रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप पूजा पाठ व्रत उपवास ये ना करें। माँ से छल करने के नतीजे बुरे होते हैं। तो आप लोगों की मदद करें, करुणा भाव रखें, दया प्रेम भाव रखें, वृक्षों का आदर करें, कुछ अच्छा बोलें, लोगों को अच्छी सलाह दें, जो भी कुछ आप कर सकते हैं, और दान अवश्य करें, जो भी आप कर सकते हैं। नहीं दान, एक केला दे दीजिए। मैया आपको पता होता है, सब पता होता है, इसलिए आप धन नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पे बड़े बड़े चांदी सोने के मुकुट चढ़ाने का धन नहीं है, इसलिए वो मंदिर नहीं जाते हैं। क्यों भाई, माता जी को नहीं पता क्या आपके पास धन नहीं है? तो आप आइए, लेकिन माता जी की अपेक्षा ये ज़रूर है कि आप उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनका काम कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। तो आप बैठिए, ऐसा कीजिए और अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। फिर जो मन हो करते रहना। तो आज जो मैंने आपसे बात की ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो घंटा नहीं था उसके बगल में लटका हुआ है उसे ज़रूर अलर्ट कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी मैं बात कहूँ आप तक वो समय से पहुँच जाए। मैया की आप पर बड़ी कृपा बनी रहे, आपके घर परिवार पर बड़ी कृपा बनी रहे। मैं इस कामना के साथ पुनः नव संवत्सर की और नवरात्र की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय। अम्बे मैया की जय।